स्वागत है दोस्तों आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं नीलाद्री पॉल और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एपर्चर क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी बताते हैं कि एपर्चर काम कैसे करता है। उससे पहले बता देते हैं कि DOF क्या होता है। तो जिन जिन को नहीं पता उन लोगों को पहले बता देते हैं कि एक इमेज में जो बैकग्राउंड ब्लर होता है उसी को कैमरा के लैंग्वेज में डेप्थ ऑफ फील्ड बोला जाता है, यानी DOF। तो चलिए कुछ फ़ोटो के साथ मैं अभी आप लोगों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि ये एपर्चर काम कैसे करता है और ये डेप्थ ऑफ फील्ड होता क्या है। तो दोस्तों फ़ोटो लेने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एपर्चर का मैकेनिज़्म क्या होता है। तो मेरे हाथ में अभी ये जो है ये 1855mm का लेंस है और इसका जो सबसे कम नंबर होता है एफ़ नंबर वो 3.5 है और जो सबसे ज़्यादा होता है वो F22 होता है। लेकिन कैमरा के रूल के हिसाब से और कैमरा के भाषा में ये उल्टा होता है, जितना कम एफ नंबर होगा यानी कि 3.5 होगा ये एपर्चर का कर्टन उतना ज़्यादा बड़ा खुलेगा और जितना ही बड़ा एफ नंबर होगा यानी F22 उतना ही आपका एपर्चर का ये जो कर्टन है वो कम खुलेगा। तो चलिए ये फ़ोटो लेके आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। एक फ़ोटो के ऊपर ये कैसे काम होता है ये अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी इस कैमरा से फ़ोटो लेके दिखाऊंगा आप लोगों को। उससे पहले बता देते हैं निकॉन के कैमरा में ये जो ए मोड है ये एपर्चर प्रायोरिटी मोड है और यही कैनन में AV मोड होता है, ये भी एपर्चर प्रायोरिटी मोड है। तो मैं अभी इस मोड पर डाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। इससे आप सिर्फ एपर्चर को ही कंट्रोल कर सकते हो और बाकी शटर स्पीड ISO ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ए मोड पे रखने के बाद आपको बस इस डायल से ही ये एपर्चर कंट्रोल कर सकते हो। आप इस डायल के मदद से ही एपर्चर को बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। आप लोग देख रहे हैं ये कैनन के कैमरा में भी सेम फंक्शन है। और अगर आप मैनुअल मोड पर फोटो ले रहे हो तो ये जो बटन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये एक्सपोज़र का बटन है, ये कैनन के कैमरा में भी होता है। तो आप अगर मैनुअल मोड पे शूट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये एक्सपोज़र का बटन दबा के इसको होल्ड करके रखना है, उसके साथ ही ये डायल को घुमाना है, इससे एपर्चर कम होता है और बढ़ता है। तो चलिए मैं अभी एक फ़ोटो लेके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं अभी एपर्चर को बढ़ा देता हूँ, ये रहा F4.5। इससे एक फ़ोटो लेके देखते हैं। इससे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड कितना ब्लर हो चुका है। और अगले फ़ोटो लेते हैं। अभी अपर्चर को कम कर देते हैं यानी कि एफ़ नंबर को बढ़ाना होगा। मैंने एफ़ नंबर 20 पर रखा है। इससे अभी एक फ़ोटो लेके देखते हैं। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड अभी कितना फोकस में आ चुका है। तो एपर्चर का बस यही काम होता है। तो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया कि एपर्चर का काम क्या होता है। तो इसके साथ और एक काम भी होता है, एपर्चर लाइट भी कंट्रोल करता है। अगर आप एपर्चर को बढ़ाते हो यानी एफ नंबर कम करते हो तो आपका सेंसर में लाइट ज़्यादा आएगा और आपका फ़ोटो ज़्यादा ब्राइट आएगा। और अगर आप एफ़ नंबर को बढ़ाते हो यानी एपर्चर कम करते हो तो आपका सेंसर में लाइट कम आएगा और आपका फ़ोटो डार्क आएगा, ये काम भी एपर्चर करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना तक ही है। अगर मेरे इस वीडियो को आप लोगों को पसंद आए तो फिर एक लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगले जो वीडियो मैं डालूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए गुड बाय।